सामने पल्लू बाजी के साथ आए थे यहाँ पे देखने। आज पूरा बाईपास आपको घुमाता हूँ, क्या क्या काम चल रहा है ये दिखाता हूँ। राम बोलो ने स्टंट कर दिया, साइड में रोलर घुसड़ दिया। उसका बकेट किस टाइप से डालना चाहिए ये हमें देखना है। ये इस टाइप से बोल्डर भर के बोल्डर बिल्कुल अंदर खाली करने चाहिए। या तुम जाके उधर अपनी मशीनें चलाओ यार, यहाँ काय को बैठे हमें जान दो। गाड़ी भी चलाएंगे हम। गाड़ी मत चलाओ, गाड़ी के लिए ड्राइवर रखा स्पेशल हमने, 45,000 वाला स्पेशल। इधर है, आप चलाओ, आप चलाओ। ड्राइवर रखा भैया, 45,000 वाला ड्राइवर। भाई ये जो टोटल स्टेशन देख रहे हैं आप, ये आप अगर सीख गए ना तो आप 35,000 के बंदे बन जाओगे। ये लड़का हमारे पास आया था 2 साल पहले, आज 35,000 ले रहा है। देखो डंपर है दोस्तों ये वाले, ये 20 MQ वाले हैं, ये भी 10 चक्का हैं, ये 20 MQ के फैसिलिटी वाले हैं। टायर पंचर है इसका। दोस्तों ये जो टाटा का एक्सेवेटर है, ये हमारी कंपनी का पहला एक्सेवेटर है। ये आज से 2000 मॉडल है और 22 साल पुराना एक्सेवेटर, आज भी कितना खूबसूरती से काम कर रहा है। भाई इनसे मिलो, ये हमारी कंपनी के बड़े होनहार ड्राइवर साहब हैं, ये मनीष नाम है। 16 भाई इधर चल रहा है अपना ये लीबोय का 785-2 है, GSB की ग्रेडिंग चालू है इधर। तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते कितना गहरा ये। बस हो गया इसका लेवल, केवल इसको अब चैनिंग कर देंगे हल्का सा। सेफ्टी रिबन लगा दिया भैया बल्लू बाजी ने हमारे, रेडियम मीडियम सैन ब्लॉक का। दोस्तों कैसे आप लोग, बहुत सब लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ ये 95 चैनल है और यहाँ पर बाईपास है, बाईपास में चल रहा अपना एक्सकावेशन का काम। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे मशीन चलती हुई। तो आज की वीडियो में दोस्तों बाईपास में क्या क्या काम चल रहा है यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। भाई आज पहुँचे अपन बाईपास में और यहाँ पे बाईपास में चल रहा अपना काम। सामने पल्लू बाजी के साथ आए थे यहाँ पे देखने, आज पूरा बाईपास आपको घुमाता हूँ, क्या क्या काम चल रहा है ये दिखाता हूँ। क्योंकि अभी तक बिटुमिन पहुँचा नहीं है तो काम, तो प्लांट अभी मतलब जाम वाम में फंसी हैं गाड़ियाँ, तो अभी पहुँचेंगी लेट नाइट तक। तो आज थोड़ा बाईपास में चक्कर मारना, थोड़ा काम भी देखना था मेरे को, सर ने कुछ बताया है वही सिलसिले में आया हूँ। तो यहाँ पे चल रहा है ये बाईपास का एंड, जो मर्जिंग पॉइंट रहता है इधर तो बन गया है पूरा, DBM भी मैंने कर दिया था। ये जो मर्जिंग पॉइंट है यहाँ पे एग्जिस्टिंग रोड को मिलाना है, तो इसी काम चल रहा है। यहाँ पे हमारे हमरिक पाजी लगे हुए हैं, यहाँ पे बकेट वाली मशीन चलाते हैं और दूसरी मशीन राणा पाजी की है वो ब्रेकर। थोड़ा मुरुम टाइप का ही पत्थर है पर कोई काम का नहीं है ये, तो इसको ब्रेकर लगा के ही तोड़ना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लास्टिंग ले नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिहायशी इलाका है, सामने काफ़ी नज़दीकी घर है, यहाँ पे ब्लास्टिंग तो ले नहीं पाएंगे, तो ब्रेकर से ही तोड़ रहे हैं इसको। भैया टाइम है सवेरे का अभी 9 बजे है, काम भी स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे अपना डीजल वाला टैंकर भी आ गया है और यहाँ पे डाल देते हैं इसका डीजल, ये मशीनों में डल रहा है डीजल। डीजल फिलिंग करते हुए यहाँ पे रोलर वोलर जो भी है, ये अपना रोलर वोल्वो वाला, ये भी डीजल वीजल डाल रहा है, वही राम बोलो वाला है। यहाँ पे आ गया, उधर काम ख़त्म हो गया, वाला बैच पूरा हो गया कम्प्लीट। यहाँ पे डाल रहे हैं डीजल, ये वाली मशीन में डाल दिया है अपन ने। अमरिक पाजी भी अभी लगे, थोड़ा होल्डर साइड कर देते, उसके बाद इसको चेक कर लेंगे बेड को कितना डिप्थ में जाना है, और नहीं तो फिर और ब्रेकिंग करनी पड़ सकती है हमको। पहले जो बोल्डर हैं ओवर साइज के जो अपने ब्रेकिंग कर चुके हैं उनको निकाल देते हैं। ये हार्ड मुरुम टाइप का है, ये बोल्डर तो नहीं कहेंगे, ये बकेट से निकल नहीं रहा है इतनी आसानी से, उसमें ब्रेकर ही लगा के निकाल रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामने से 2 रोड आए हैं, वो उधर का कंप्लीट है उधर रोड, और इधर भी अपन ने ये आगे अपन ने DBM कर दिया था, जो मैंने पहले एक बार वीडियो में आपको दिखाया था। अब बस ये मार्चिंग पॉइंट है इसका, एक जो RHS वाला पोर्शन है वो यहाँ पे मैच हो जाएगा, LHS वाला तो जब बाईपास चालू हो जाएगा तब मैच होगा। तो उसी का जो मार्चिंग पॉइंट है 200 मीटर का, वही हम लोग अभी यहाँ पे बना रहे हैं। ये अभी चालू करते हैं यहाँ पे ब्रेकर, डीजल के लिए थोड़ा सा काम रुक गया था, काम तो सुबह 8 बजे हमारा स्टार्ट हो गया था। ओवरबर्डन जो ओवर साइज का जो बोल्डर है, बोल्डर उसको लोड कर करके साइड में फेंकते जा रहे हैं, क्योंकि काम है नहीं, इसको बेड पे भी डाल सकते हैं, इसका ना GSB वगैरह कुछ बना सकते हैं।
गाड़ियाँ हमारी और भी आने लग गई, ये एक और गाड़ी आ गई है, कैंप से आना भी स्टार्ट है। उधर हमने ब्रेकिंग भी स्टार्ट कर दी, बस धूल बहुत उड़ दी है बाहर बाईपास में। दोस्तों आज मैं और भी चीज़ बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ पर काम चलो, ये तो स्टार्टिंग का मर्जिंग पॉइंट है, यहाँ पर चालू काम, और भी जगह काम चालू, सारी जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। उन्होंने स्टंट कर दिया, साइड में रोलर घुसेड़ दिया। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, गौर करने वाली चीज़ है, जैसे जब भी आप थोड़े बोल्डर टाइप का मटेरियल आप लोड करते हैं गाड़ी में, तो उसका बकेट किस टाइप से डालना चाहिए ये हमें देखना है। ये इस टाइप से बोल्डर भर के बोल्डर बिल्कुल अंदर खाली करने चाहिए, ऊपर से पटकने नहीं चाहिए क्योंकि गाड़ी की बॉडी को डैमेज करते हैं ये लोग। चलिए दोस्तों, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था 94 चैनेज का था, 9400 के आसपास है अभी हम, और अभी चलते हैं और अंदर बाईपास 92 चैनेज तक है, 95 चैनेज में इस टाइम 9500 पे। और ये इधर चालू है इसकी ब्रेकिंग, यहाँ हमारे अमेरिका जी लगे हैं बोल्डर लोड करते हुए। चलिए दोस्तों चलते आगे, आगे का और बाईपास में काम दिखाता हूँ। ए ड्राइवर गाड़ी खोलो, तुम जाके उधर अपनी मशीनें चलाओ यार, यहाँ काय को बैठे हमें जान दो, गाड़ी भी चलाएंगे हम, गाड़ी मत चलाओ। गाड़ी के लिए ड्राइवर रखा स्पेशल हमने, 45,000 वाला स्पेशल। अच्छा इधर है, हाँ आप चलाओ, आप चलाओ, ड्राइवर रखा भैया 45,000 वाला ड्राइवर। चलो भाई आप चलते आगे बाईपास, शामू बेटा। ये रोड तो अपन ने दोनों साइड का कर दिया कंप्लीट, आगे और भी काम चालू है, मैं दिखाता हूँ आपको। इधर भाई सामने अपन जो आपको ब्रिज दिख रहा होगा एक, वो यहाँ से पूरा एक कट होगा साहब, अंदर से जाएगा, अंडरपास बनाने वाले यहाँ पे हम, और सामने जो ऊपर वाला रोड है वो ऊपर से निकल जाएगा। तो ये चालू है, यहाँ पे ही काम चालू है अपना। यहाँ पे भी चल रहा भैया अपना ब्रेकर, ये भी डीजल वीजल डाल के आगे काम चालू करने वाले हैं, अभी लौट के आता हूँ जब ये काम चालू होगा तब दिखाऊंगा। ये ब्रिज बन चुका है, इसके नीचे से रोड जाएगा अपना 4 लेन, ऊपर से जाएगा ये जो रोड बना हुआ है वो, तो अभी देख लो लगभग 8 मीटर के आसपास और कट करना है पूरा हिस्सा। भाई अभी पहुंचे 93 चैनेज पर, और ये देखिए आप बाईपास में, यहाँ पे एक्सकेवेशन का काम इधर भी चल रहा है जोरों शोरों से। ये हमारे गुरदयाल पाजी हैं, ये वॉल्वो एक्सकेवेटर से लोडिंग कर रहे हैं, और ये टाटा 210 है, ये हमारी कंपनी का पहला मशीन है, ये जो टाटा का आप देख रहे हैं टाटा 210 जो ब्रेकर पर चल रहा है, ये पहली मशीन है। और यहाँ पर चल रही है एक्सकेवेशन का काम, यहाँ लगभग हम 15-16 मीटर की डेप्थ में जा रहे हैं। यहाँ पर ये एग्जिस्टिंग रोड अभी ये लेवल पे था, अभी हम यहाँ से 15 मीटर डाउन में गए, और यहाँ पे कटिंग लोडिंग का काम चालू है। और ये देखिए आप, ये यहाँ पे बेड बनते जा रहे हैं आगे सबग्रेड का, पीछे GSB का डंपिंग होता जा रहा है। ये 5.5 लाख की मशीन इनके हवाले कर दी हमने, देखो 5.5 लाख की नहीं है, कितने की है? 5.5 जब अपन ने ली तब 5.5 की थी, अब बढ़ गई होगी। भाई ये जो टोटल स्टेशन देख रहे हैं आप, ये आप अगर सीख गए ना तो आप 35,000 के बंदे बन जाओगे। ये लड़का हमारे पास आया था 2 साल पहले, आज 35,000 ले रहा है, देखो तरक्की तो इसने ही करी कंपनी में, और तो सबने की काम खराब है। वेद प्रकाश भैया नाम है इनका, ये हमारे दोस्त, ये 92 चैनल से, ये इधर का रोड भी हमारा कम्प्लीट हो गया है, और यहाँ पे ये GSB तो बन गई है, और यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं WM के लिए, सेंटर मार्किंग कर रहे हैं सेंटर लाइन। आज पार्टी देगा हमारा वेद प्रकाश हमें, यहाँ पे रख लो बीच में, ओके सेंटर पे लगाते जाना, जहाँ पे चूना लगाएंगे ना अभी लगाने वाला है भाई। भाई किसी को अगर ये TS सीखना है ना तो हमारे वेद प्रकाश से संपर्क कर लें, 200 से लगा, मैं उसका नंबर दे दूंगा। 300 ये 200 या 210 से भाई, यहाँ पे ये चैनेज है, ये है 93 900 के आसपास हम, और यहाँ पे ये व्हीकल अंडरपास बनना, इसका देखो एक्सकेवेशन चालू है, यहाँ पे 2 वॉल्वो के एक्सकेवेटर यहाँ चल रहे हैं, एक
कि 8 नंबर एक्सकेवेटर है, एक 4 नंबर एक्सकेवेटर है। ये लगभग लगभग हो गया, थोड़ा सा ब्रेकिंग रह गया, फिर यहाँ पे अंडरपास बनाया जाएगा क्योंकि हाईवे हमारा निकलेगा नीचे से, और ये वाला जो रोड है जो अभी बाइक बाइक ऊपर से निकल रही है ये इसके ऊपर से जाएंगे। इसके लिए एक्सकेवेशन बहुत तगड़ा एक्सकेवेशन होने वाला है यहाँ पे। लगभग दोस्तों यहाँ पे 15 मीटर का एक्सकेवेशन हो चुका है। यहाँ पे पोकलैन पूरी अंदर गड्ढे में, आप देख लो कितना गहरा है। ये मिट्टी लोड करते हुए ये निकल रहे हैं सीधे यहाँ से 97 चैनेज में जा रहे हैं, वहाँ पे फिलिंग करनी है हमको ब्रिज की। दोस्तों ये जो ब्रिज है ये भी एस क्यू टाइप में बनेगा, देखो इसकी कटिंग भी थोड़ा तिरछी करी है, एस क्यू टाइप में बनेगा ये, क्योंकि रोड का जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा एस क्यू टाइप में है, तो ब्रिज भी बनेगा एस क्यू में। लगभग फाइनल फिनिशिंग है, फाइनल कटिंग, और इसको लेवल एकदम करते हुए जा रहे हैं। हल्का हल्का थोड़ा सा हार्ड लगा हुआ है तो इसके लिए चल रहा है यहाँ पर ब्रेकर। लगभग ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद इसकी पीसीसी करके इसको फाइनल कर देंगे यहाँ से। दोस्तों आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते कितना गहरा ये, बस हो गया इसका लेवल, केवल इसको अब चैनिंग कर देंगे हल्का सा। इस लेवल तक लेके आना है इसको। सेफ्टी रिबन लगा दिया भैया बल्लूबाजी ने भाई, रेडियम मीडियम साइन ब्लॉक कर दिया। ब्रिज का काफ़ी गहरा है, 15 मीटर 16 मीटर के हम नीचे गए हैं तो ये ज़रूरी भी है, ये तोड़ देते हैं दोस्तों, ये रिबन पट्टी टूट जाती है तो इसलिए फिर से लगा दी अभी। तो यहाँ पे चालू दोस्तों अपना, ये आपको मैंने एक्सकेवेटर दिखाया था, ये टाटा का एक्सकेवेटर है और ये वॉल्वो का है। दोस्तों ये जो टाटा का एक्सकेवेटर है ये हमारी कंपनी का पहला एक्सकेवेटर है, ये आज से 2000 मॉडल है और 22 साल पुराना एक्सकेवेटर, आज भी कितना खूबसूरती से काम कर रहा है। अभी इसका इंजन ओवरऑल का काम जरूर निकला था अभी, उसके बाद अपना ब्रेकर पे कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है आप देख रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों ऐसा फील होता है जैसे आप खदान में आ गए हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसा रहा है चारों तरफ। एक तो पूरा यहाँ पे 30 मीटर का बेड बन रहा है और दिखने में भी नज़ारा भी ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल खदान में आप पत्थर खोद रहे हो। ये यहाँ से लोड होके जो मटेरियल जा रहा है, अरे ये क्या हुआ, ये क्या देख रहा हूँ मैं भैया, इसका तो डाला ही तोड़ दिया, शाबाश। ये पक्का ये बोल्डर पे ढंग से खाली नहीं करी होगी ड्राइवर ने गाड़ी, तो डाला बोल्डर पे आ गया तो ये गेट डाले इसके इस टाइप से हो जाते हैं टेढ़े। कूलर समाते हुए यहाँ पे चालू है, ये चल रहा है भैया अपना टाटा वाला एक्सकेवेटर, ये भैया हमारी कंपनी का पहला एक्सकेवेटर है, देख लो आप कितने प्यारे तरीके से काम कर रहा है। हमारे पल्लू भाजी हैं, उन्होंने इस पर हेल्पर ही करी थी एक टाइम पे, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये वॉल्वो वाला एक्सकेवेटर है, ये हैं हमारे गुरदयाल भाजी हैं, हार्ड हार्ड जितना निकल रहा है उसको एक तरफ से निकालते जा रहे हैं, लोड करते जा रहे हैं, बाकी जो बच रहा है उसको ब्रेकर से अपन निकालते जा रहे हैं। क्योंकि तो ये आप मैं इधर से आपको दिखाता हूँ, ये इधर से हमारा बेड ये क्लियर होते हुए आ रहा था, ब्रेड यहाँ तक बन गया है, पीछे से GSBM करते जा रहे हैं, और ये जो टुकड़ा है ये हमें पूरा डाउन करते हुए कट करना है। बीच बीच में आप देख रहे हैं गड्ढे से, देख रहे हैं गड्ढे को मार दिया हमने, क्योंकि गड्ढे जो लूज लूज था वो निकाल दिया, जो हार्ड हार्ड रह गया उसमें या तो ट्रैक्टर वाली ब्लास्टिंग ले लेंगे या फिर ब्रेकर से तोड़ते जाएंगे। ये रोलर भी हमारा यहाँ पर GSBM के बेड पर रोलिंग करने के आ गया, पास में चल रहा था अभी उधर। ये हमारे राम बोले उस्ताद धूल उड़ाते हुए एक तरफ से, गुरदयाल भाजी हमारे थोड़े परेशान है यार, मशीन का कांच इनका वो वाला फूटा जिसमें हाइड्रोलिक की सारी हीट आती है अंदर। तो दोस्तों एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये जो डंपर देख रहे हैं ना, ये डंपर भी हमारी कंपनी के पहले डंपर हैं 10 चक्का में। ये जो टिपर है ना ये 10 चक्का में जब पहली बार स्टार्टिंग में आए थे टाटा के 10 चक्का, ये भी 2000 मॉडल हैं, 2000 के आसपास जब आए थे ये, तब का ही मॉडल है, और ये भी हमारी कंपनी में जब 10 चक्का पहले आए थे तब यही आए थे टाटा के, वो आज भी काम कर रहा है 22 साल के बाद भी। आप देखो इस टाइप के 10 चक्के आपने देखे नहीं होंगे, स्टार्टिंग में आए थे बाद में फिर इसमें बढ़ते गए। ये छोटी बॉडी है, इस साथ मेरे हिसाब से 14 MQB या 13 MQB की बॉडी है ये,
अभी जो आ रहा है 16 MQ की आ रही है, और एक और हमारे पास जो लॉन्ग साइज की है वो 20 MQ साइज में भी आ रहे हैं। इस टाइप के दो डंपर यहाँ पे हैं अभी, एक ये जो लोडिंग पे आप देख रहे हैं ये है, और दूसरा एक वो खड़ा है मिट्टी पे, आज ये बराबर दम भर रहे हैं। और वो जो टाटा की एक्सकेवेटर देख रहे हैं वो ये डंपर, ये 7-7 के डंपर हैं। ये जो वॉल्वो की है ये तो अभी आई थी, इस प्रोजेक्ट में नहीं आई थी, ये लगभग 18 मॉडल है मेरे हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे हमारा सबग्रेड टॉप हो गया रेडी, और यहाँ पे पीछे से आप देख रहे हैं तो GSB की गाड़ियाँ भी खाली होती जा रही हैं, रोलर वोलर भी आ गया है हमारा, ग्रेडर आ जाएगा तो इसका ग्रेडिंग होके बेड पे जितना कम पड़ रहा है उतना ऊपर ऊपर और डाल रहे हैं, GSB का टॉप बन जाएगा। और इस लेवल से ही हमको इसको कट करते हुए जाना है, यहाँ चल रहा है हमारा एक्सकेवेशन। अभी यहाँ पे दो ही एक्सकेवेटर चल रही हैं क्योंकि दो एक ब्रेकर यहाँ पे और चल रहा था, वो सामने हमने भेज दिया वो ब्रिज का। फाइनल एक्सकेवेशन टॉप लेवल पे जा रहे हैं हम, तो वो भी हो जाएगा अगर फ्री, तो वो दोनों एक्सकेवेटर भी हमारे यहीं चलते हैं। यहाँ पे 4 एक्सकेवेटर लगा रखे हम लोगों ने, काम बहुत है काम। ये जो पत्थर निकल रहा है दोस्तों ये अलग ही टाइप का पत्थर है, सैंडी स्टोन है, ये किसी काम का नहीं होता, बस टाइम पास पत्थर, क्योंकि ये ब्रेकर से भी इसमें प्रोग्रेस नहीं निकलती, बहुत थोड़ा थोड़ा निकलता है, और बकेट से भी निकलता नहीं, दांत से ख़राब करता है। भाई ये वही टाटा का टिपर है, इस टाइप के दो हैं, एक तो लोडिंग पे लगा था, दूसरा ये साइड में खड़ा था, ये 37 नंबर, ये 2000 मॉडल हैं, ये 13 या 14 MQ की बॉडी के साथ आए थे, स्टार्टिंग में जो 10 चक्का निकाले थे टाटा ने, ये वही हैं, ये आज भी चल रहे हैं भैया, दबा के चल रहे हैं मिट्टी के काम में। इन डंपरों को दोस्तों हम लोग मिट्टी के काम में यूज़ करते हैं, क्योंकि छोटे हैं तो छोटे साइड में चलते रहते हैं बाकी तो। ये यहाँ पर भाई अपना अभिलाष भाई बना रहा है यहाँ पे GSB का टॉप, क्योंकि आगे आगे सबग्रेड फाइनल होता जा रहा है, पीछे पीछे GSB तो गाड़ियाँ भी आती जा रही हैं। ये जो डंपर है दोस्तों ये वाले, ये 20 MQ वाले हैं, ये भी 10 चक्का हैं, ये 20 MQ के फैसिलिटी वाले हैं। और जो वो छोटा वाला डंपर था वो तो मेरे हिसाब से 13 MQ की फैसिलिटी होगी या 14, और जो एक और आगे खड़ा हुआ देख रहा है वो है 16 MQ की, जो नॉर्मली टिपर आते हैं 16 MQ वाले। गाड़ी होती जा रही खाली, निकलती जा रही साइड पे। भाई इस साइड पे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आके जैसे अपन खदान में नहीं जाते, अपन पत्थर की खदान में या क्वारी में, तो ये देखो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ यहाँ हमने खोद दिया, 15-15 मीटर से हम डाउन चले गए यहाँ पे, खदान वाले नज़ारे लग रहे हैं यहाँ पे। कुछ डंपरों में डीजल नहीं था, डीजल देने आ गई गाड़ियाँ भाई, डीजल पहले गियर में गाड़ी लेके टायर पंचर है इसका, जा धीरे धीरे ले जा, खाली कर दे इसको। बेड पे एक पास मार देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा गाड़ियां चल चल के थोड़ा रफ हो गया है। भाई इनसे मिलो, ये हमारी कंपनी के बड़े होनहार ड्राइवर साहब हैं, ये मनीष नाम है, 16 भाई इधर चल रहा है अपना ये लीबॉय का 785-2 है, GSB की ग्रेडिंग चालू है इधर। ये बाहर से क्वारी से जो हाईवा भी आते जा रहे हैं साथ साथ में खाली भी होते जा रहे हैं, पहला लेयर डाल लिया था नीचे, अभी जितना कम पड़ रहा है जो लेवल के हिसाब से ऊपर से और डाल रहे हैं, डालने के बाद गाड़ियाँ भी करवाते चल रहे हैं एक साथ खाली, करवाना भी चाहिए दोस्तों क्योंकि ये क्या है जब आप बेड को फाइनल कर रहे हैं टॉप बना दे तो उसमें करेक्शन लोड एक दो लगते ही लगते हैं, आप क्वांटिटी के हिसाब से डालने के बाद भी लग जाते हैं, क्योंकि माल क्या होता है कभी कभी किसी गाड़ी में ज़्यादा आ रहा है किसी में कम आ रहा है, उससे आपका एक्यूरेट एवरेज नहीं लग पाता है। और यहाँ पर ग्रेडिंग कम्प्लीट होने के बाद फिर वाटरिंग होगी, वाटरिंग कम्प्लीट होने के बाद फिर अपना रोलर खड़ा है वहाँ पर वॉल्वो का, तो अपन रोलिंग भी करेंगे साथ साथ में। ये जो ग्रेडर है दोस्तों ये लीबॉय का 785, ये थोड़ा छोटा है, छोटे काम के लिए ठीक है, इससे GSBWM तो बहुत अच्छे बनते हैं, बाकी यहाँ पे सब ग्रेड के बेड में अगर कटिंग ज़्यादा आ गई तो ये हार मान लेता है, थोड़ा थका थका सा है, छोटा है
इसकी जगह 985 होता है तो वो बहुत अच्छा काम करता है। अभी हमारे विजय उस्ताद हैं वो लगे हुए हैं इस पर। आप देख रहे हैं थोड़ा डेयरी तोड़ने में थोड़ा लोड सा लग लगता है। इसकी जगह कैट होता है ना, कैट तो बकरा बना देता है डेयरियों को। तो गाड़ियाँ भी हम लोग यहाँ पे ऊपर किनारे किनारे पे खाली कर रहे हैं, वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एक तो काफ़ी हाइट ज़्यादा गहरी हो गई है, जब तक इसमें वायर फेंसिंग नहीं होती जब तक हम साइड साइड से डाल देते हैं तो कोई अनहोनी ना हो। ये GSB की गाड़ियाँ हैं साइड पे, यहीं से GSB आती जा रही है साथ साथ में, खाली करते जा रहे हैं हम लोग। जहाँ जहाँ दोस्तों हमने ब्रेकिंग कर ली उसको निकाल देते हैं अच्छे से, तो ब्रेकिंग करने के लिए वहाँ पे तभी लेवल का ज़्यादा पता चलता है या है या नहीं। ये कुछ इस टाइप का पत्थर निकल रहा, रेतीला पत्थर है ये, जहाँ हम लोग ब्रेकिंग कर रहे हैं टाटा से। सब लोग बोलते हैं ये मशीन सदाबहार मशीन है क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी नहीं है, सादा मशीन है। इसुजू का इंजन आता है इसमें, अभी शायद कमिंस का आने लग गया है, पहले इसुजू का आता था। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दे रहा है ब्रेकर पे, निकाल रहा है मटेरियल। हमारे पास हम वॉल्वो का भी यूज़ कर रहे हैं, कैट का भी यूज़ कर रहे हैं। देखो वो तो परफॉर्मेंस डिपेंड करती है इसके ब्रेकर पे, ब्रेकर किस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि हमारे पास फाइन का भी है, डेमो का भी है, एटलस कैपको का, ये जो लगा हुआ है वो फाइन का है, एक हमारे पास एटलस कैपको का भी है और टर्मिनेटर के भी हैं, 3-4-5-6 ब्रेकर हैं हमारे पास। का डाला टूट गया, अभी शाम का टाइम हो गया 5 बजे का, अभी थोड़े 2-4 ट्रिप और लगेंगे क्योंकि हम कर रहे हैं बाईपास में काम, तो कोई इसका इतना हेडक भी नहीं है दोस्तों। शाम को जब ये कैंप में जाएगा तो वहाँ पे इसका डाला रिपेयर होगा। तो शाम को इस टाइम पे टाइम हो रहा है लगभग 5:30। सूरज देखो आ गया बिल्कुल नीचे, कितना बढ़िया चमक रहा है येलो। चल दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं कल एक नई वीडियो से क्योंकि डामर भी पहुंच गया, कल चलेगा अपना डामर, अपना DBM का लिंक करेंगे कंप्लीट, और भी जो भी चलेगा मैं आपको बताते रहूँगा, अपडेट देते रहूँगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, धन्यवाद।